सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम जो बिजनेस की बात करने जा रहे हैं ना, ये बिजनेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, पर दोस्तों आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है इस बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस है ट्यूशन सेंटर का बिजनेस। यानी कि दोस्तों, अगर आप लेडीज हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर पे ही रहकर कोई काम करना चाहते हैं, तो आप ट्यूशन सेंटर शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। या आप जेंट्स वगैरह हैं या फिर आप खुद घर पर रहकर ये करना चाहते हैं, तो आप ये पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं। या फिर आप स्कूल में, किसी स्कूल में टीचर वगैरह हैं, तो आप घर पे भी ये बिजनेस शाम को इवनिंग में क्लासेस या मॉर्निंग में क्लासेस वगैरह देकर ये बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये बिजनेस करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आप ट्यूशन देकर, यानी कि अगर आपको मैथ, साइंस वगैरह या फिर इंग्लिश वगैरह या फिर जो भी आपको आता है या आप जानते हैं जिसके बारे में, तो आप उनकी ट्यूशन देकर स्टूडेंट्स को आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल क्या हो गया है कि ट्यूशन जरूरी हो गया है। दोस्तों, स्कूल में उतना नहीं समझ में आ पाता है कि स्टूडेंट है ना, ट्यूशन लेते ही लेते हैं। आप खुद जानते हैं, ये अपने आसपास के एरिया में आपने खुद ने ये देखा ही होगा कि ट्यूशन तो जाते ही जाते हैं। ट्यूशन पे आप ये सिखाकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बस दोस्तों, आपको है ना अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ है ना आपको ऐसा बिहेव करना है कि बस एक होता है ना फ्रेंड की तरह बिहेव करना। टीचर और फ्रेंड का एक ऐसा होता है ना, टीचर और जो स्टूडेंट होता है उनका फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं ना, तो स्टूडेंट ज़्यादा समझते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसा बिहेव करें स्टूडेंट के साथ, ताकि वो आपसे फ्रेंडली बिहेव की तरह और अच्छे से बात कर सके और अच्छे से आपसे कुछ समझ सके। क्योंकि दोस्तों, टीचर का जो काम होता है ना, वो सिखाना ही है, अच्छे से सिखाना है। ऐसा नहीं है कि रूडली कुछ, मैंने देखे हैं टीचर वगैरह रूडली बिहेव करते हैं, तो रूडली बिहेव करते हैं तो स्टूडेंट डर जाता है। वो ज़्यादा आपके पास 1 महीना 2 महीना रुकेगा, ट्यूशन से हट जाएगा, कोई ना कोई घर पे जाके बहाना कर देगा कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, या फिर मुझे वो टीचर पसंद नहीं है, या फिर वो टीचर ऐसे है वैसे है, उनको आता नहीं है। वो आप जानते हैं कि बहाने क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसमें है ना थोड़ा सा है ना पोलाइट वे से बात करेंगे ना स्टूडेंट से, तो आप ज़्यादा स्टूडेंट गेन कर पाएंगे, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास आएंगे और इस तरह से आप ये बिजनेस कर पाएंगे। आप अपने ट्यूशन को है ना अपने घर से ही शुरू कर दीजिए। आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या होगी? कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल थोड़ी बहुत चेयर वगैरह ले सकते हैं मार्केट से, अगर लेना चाहें तो। स्टूडेंट की चेयर होती है या फिर नॉर्मली चेयर होती है, उन पे भी आप ये कर सकते हैं। आपको एक व्हाइट बोर्ड वगैरह लेना होगा तो वो आपको नॉर्मली दुकान से मिल जाएगा। ये आप यानी कि 5-10 हज़ार के खर्चे में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। और आप मंथली, अगर आपके पास मान लो कि आपके पास अगर 20 स्टूडेंट भी आते हैं पर मंथ, 20 स्टूडेंट आपके पास, सिर्फ 20 स्टूडेंट ही आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपने एक सब्जेक्ट का रेट रखा है 1,000 रुपये या 500 रुपये जो भी रखा, तो आप अच्छी खासी इनकम कर लेंगे। 20 स्टूडेंट से आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तो आराम से आप इनकम कर लेंगे, एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाएगी। या फिर आप ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, ज़्यादा इनकम हो जाएगी, वो बाद की बातें हैं दोस्तों। वो बाद पे डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं। पर दोस्तों, ये बिजनेस है ना आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये बिजनेस थोड़ा सा है ना बस, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में, यानी कि आपके जो है ना, आपने जो सीखा है ना, वो आपको सिखाना है आगे स्टूडेंट्स को। बस दोस्तों, आपको है ना नॉलेज रखनी होगी, अपडेट रहना पड़ेगा, दुनिया के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो हमने पिछले टाइम में नहीं सीखी होती है, पर दोस्तों आज का टाइम है ना, उसके टाइम तक सीखनी पड़ती है हमें। कहते हैं कि आज के साथ चलेंगे ना, तब भी स्टूडेंट को हम बता पाएंगे कि आज के दायरे में, दौर में ये कैसे चलता है काम, सिस्टम वगैरह कैसा चल रहा है। तो उनको पढ़ाई कर, पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें। तो दोस्तों, स्टूडेंट आपके पास इससे है ना कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और दोस्तों आपका जो है ना कॉन्टैक्ट मजबूत हो जाएगा स्टूडेंट के साथ, और दोस्तों आपको ना अच्छी खासी इनकम भी होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से आप ये बिजनेस करके है ना खूब अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बस दोस्तों, इसमें है ना थोड़ा सा बस आपको अच्छे से सिखाना होगा स्टूडेंट के साथ, है ना आपको बिहेव है ना अच्छा सा रखना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप ध्यान यही रखना है आपको। उसके बाद दोस्तों, आपको ना पेमेंट है ना टाइम टू टाइम लेते रहना है स्टूडेंट से। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर आप ज़्यादा देरी कर देते हैं तो स्टूडेंट वगैरह चले भी जाते हैं, तो वो आप फिर पीछे पीछे घूमेंगे उनके फीस के लिए। तो आप फीस टाइम टू टाइम लेते रहें, ये भी जरूरी है ना। क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पैसे के लिए भी कर रहे हैं और सिखाने के लिए भी कर रहे हैं, और इसका ना प्रॉफिट आपको ही होगा। यानी कि जो आप सिखाओगे ना, जितना सिखाओगे ना, उतना खुद की आपकी नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, खुद की नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, और दोस्तों स्टूडेंट भी आपसे जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि बढ़ते ही जाएंगे, आपका बिजनेस भी बढ़ता ही जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप ये काम शुरू करें, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के ये बिजनेस करना अच्छी बात है। अगर आप हाउसवाइफ वगैरह हैं या फिर आप घर से ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ये बिजनेस करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।